तो ये परम पवित्र श्री भक्त हनुमान, भक्तराज हनुमान जी की कथा के वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? व्यक्तिगत क्या हनुमान जी की कथा भी है? है, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्वयं कही गई है। और इसके श्रोता कौन है पता है? जिनका नाम अभी हमने गाया, जिनकी महती अभी हमने गाई। हम तो बार बार कहते हैं कि राम काज करीबे को रसिया, जिनको हम हनुमान जी राम के प्रिय कहते हैं। राम राघवेंद्र सरकार है, राम जी है। आप श्रोता के रूप में बैठे हैं हनुमान कथा सुनने के लिए, तो एक बात तो निहित है, राम कथा में राम जी आए चाहे न आए, पर हनुमान कथा में राम जी आते हैं और अवश्य आते हैं। तो राम कथा में तो हनुमान जी का आसन लगता है, पर हनुमान भक्तराज जी हनुमान कथा में श्री राम जी का आसन श्रोता के रूप में लगता है। कहते हैं, प्रमाण है, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। इस रामायण के महामाला में आपके पास माला होती है ना, जो माला लेके आप जपते हो, उस माला में एक मणि बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसे मेरु मणि कहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी हनुमान कथा के लिए कहते हैं रामायणम महामाला। ये रामायण यदि महामाला है तो इसके मेरु मणि यदि कोई है तो वे मेरु मणि रत्नम वंदे नीलात्मजम, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज इसके मेरु मणि है। जो राम स्वयं हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान यदि आप नहीं हो ना तो मैं नहीं। लोग कहते हैं, आपने कहा कि ये पार्शलिटी है, किसी को ने कहा कि राम जी 14 गुण वाले हैं तो हनुमान जी 16 गुण वाले हैं। अब वो लोग जाने, किंतु ये बात तो तय है कि जितने राम जी के गुण हैं उससे 2 गुण अधिक हनुमान जी महाराज के हैं। ऐसा क्यों? आपके पास बड़े सारे बैग्स हैं और आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, यदि आपको कूली खोजना हो ना तो आप कूली खोजोगे, आपसे दुबला पतला खोजोगे कि आपसे थोड़ा समृद्ध खोजोगे, थोड़ा मजबूत हट्टा कट्टा खोजोगे कि भाई ये 2 बैग जल्दी उठा पाएगा, है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। रामायण का संपूर्ण भार यदि किसी के कांधे पे है तो वे हनुमान जी महाराज है। इसलिए प्रभु राम जी के अधिक 2 गुण हनुमान जी महाराज के पास है। अच्छा चलो, यहाँ तक नहीं है, केवल आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताया जाता है, बड़ा सुंदर है। आप पे संकट आता है तो आप प्रभु का नाम लेते हैं, और प्रभु पे संकट आता है तो वो किन का नाम लेते हैं? रामायण में एक स्थान पर अहिरावण और महिरावण, रावण के मामा जी है ये, है ना? रावण के मामा जी हैं अहिरावण और महिरावण। ये मामा जी का रोल पहले से ही निगेटिव क्यों दिखाया है पता नहीं, आपल्याकडे तर मामाची मुलगी करतात। रावण के जो मामा जी है अहिरावण और महिरावण, इन्होंने प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी का हरण किया, और अपनी जो दैत्यों की कुल देवी है उनकी सामने बलि चढ़ाने का तय किया। अच्छा, बलि भी किसका दे रहे हैं? राम जी का। हनुमान जी महाराज को पता चला और हनुमान जी महाराज पहले से ही जाके पहुंच गए, और ये जो दैत्यों की देवी थी ना उसको कहा चुपचाप तिथ बसायच, गड़बड़ करायची नहीं। प्रसाद दिला आणि प्रसाद देऊन तिला कोपऱ्यात बसवलं, म्हणे हालायचंच नाही। हनुमानजी हात जोडून हनुमानजींपुढे ती दैत्यांची देवी जी बली येणार होती ती बाजूला जाऊन बसली, पण सगळं नाटक हनुमानजींनी रचलं। तो हनुमानजी महाराज अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए, उस दैत्यों की देवी का वेश लेकर बैठे हैं,
और अहिरावण महिरावण से कहते हैं कि देखो मैं बड़ी क्रोध में हूँ, मैं कोपली है, और मुझे यदि देखोगे ना तो तुम जल जाओगे। एक काम करो, मेरे जो बलि हैं उनको भेज दो, तुम बाद में आना। और अहिरावण महिरावण खड़े हो गए और दोनों बलि यानी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भीतर भेजा गया। यहाँ ये बलि दैत्यों की देवी बैठी है सिंदूर लगाए, और तब बड़ी मंजुल ध्वनि से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर घन श्याम घन नील वर्ण, जो आप बताइए। देखो लक्ष्मण जी गौरव वर्ण है और राघवेंद्र सरकार श्याम वर्ण है, नील वर्ण है। तो आप कहते हैं कि हे घन श्याम वर्ण, आप बताइए अभी आप संकट में हैं, आप इस समय किसका स्मरण करोगे? इस समय आपको किसकी याद आ रही है, किसका स्मरण हो रहा है? तो राघवेंद्र सरकार थोड़े गंभीर, अधिक गंभीर है, पहले तो ही गंभीर है और अधिक गंभीर हुए हैं, और बड़े प्रेममय वाणी से कहते हैं कि यदि यहाँ यह हनुमान होता ना तो ये संकट ही नहीं होता। हनुमान जी महाराज तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं और श्री राम जी के चरणों को आलिंगन देते हैं। हनुमान होता नहीं, हनुमान हाजिर है, हनुमान प्रस्तुत है आपकी सेवा में।